परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे सैमुअल मॉर्नियस वीमर के जीवन के बारे में। जन्म 12 अप्रैल 1897, मृत्यु 2 अप्रैल 1952, मूल स्थान मिशिगन अमेरिका, दर्शन अरब मिस्र। सैमुअल मॉर्नियस वीमर, जिन्हें मुसलमानों के लिए एक प्रेरित के रूप में भी जाना जाता है, 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध मिशनरियों में से एक थे, जिन्होंने लगभग 38 वर्षों तक अरब और मिस्र में सेवा की। उनके माता पिता नीदरलैंड से अप्रवासी थे, जिन्होंने सैमुअल को गहरे धार्मिक विश्वास और नैतिक मूल्यों में परवरिश किया। सैमुअल ने अपनी युवावस्था में प्रभु यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जब उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर उन्हें विदेशी मिशन क्षेत्र की ओर बुला रहा है, तो उन्होंने तुरंत आज्ञा मान ली और अपना जीवन खोई आत्माओं के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। न्यू जर्सी के न्यू ब्रंसविक सेमिनारियम से स्नातक होने के बाद उन्होंने थ्रोप अवेन्यू मिशन के साथ प्रचार करने में और गरीबों की मदद करने में अपनी सेविकाई की शुरुआत की। हालांकि मुसलमानों तक सुसमाचार पहुंचाने के विषय में उनका गहरा बोझ था, जब उन्होंने देखा कि कोई भी संगठन मुसलमानों के बीच मिशनरी सेवा करने के लिए आगे नहीं आया, तो उन्होंने अपने दोस्त जीन्स कैंटीन के साथ मिलकर अमेरिकन अरेबियन मिशन की स्थापना की। 1810 में अपने समन्वय के बाद वीमर की अपनी पत्नी एमी विलिक्स के साथ अरब देशों में चले गए और वहां उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। गंभीर विरोध के बीच उन्होंने शुरुआत में सड़क प्रचार और ट्रैक वितरण करते हुए सेवा की, जिसके अच्छे परिणाम मिले। बाद में वहां उन्होंने मिशन सम्मेलनों, सुसमाचार अभियानों और नेतृत्व सम्मेलनों का आयोजन किया। मिशनरी काम अपनी लागत और बलिदान के साथ आता है। जेवियर अपरख में रहने के दौरान अपनी दो जवान बेटियों को पीचिस और अपने भाई पीटर को बीमारी के कारण खो दिया। फिर भी जेवियर दंपत्ति मसीह में आशा के साथ अपने बुलावे में स्थिर रहे। अपनी सेविकाई के अंतिम वर्षों में वीमर ने विश्व स्तर पर कई देशों की यात्रा की और छात्र समूहों से बात करके मुसलमानों के बीच सेविकाई के लिए कई मिशनरियों को भी भर्ती किया। वह कई ईसाई पत्रिकाओं के संपादक और कई पुस्तकों के लेखक भी थे। वीमर ने अपनी सेविकाई के माध्यम से मुसलमानों के बीच ईसाइयों के मिशन को आगे बढ़ाया, साथ ही दुनिया भर में गलीशिया और सुसमाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिय, मिशन सेविकाई के दरवाजे खुले हैं, क्या आप प्रवेश करेंगे? प्रभु मुझे सुसमाचार को उन जगहों पर ले जाने के लिए मजबूत कीजिए जहां इसकी घोषणा अब तक नहीं की गई। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।